एक मिनट रुको, बात तो कर दो, ऐसे बातें करोगे तो कैसे होगा, फिर मैं बता दूंगा ना। पूरी बात सुनो और उसके बाद आप बताना, उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। या कांग्रेस जो गुंडागर्दी राजस्थान में चल रही है और यह चल रही है, अभी आपने बताया वीसीआर भरी जा रही है, लोग परेशान है, चाहे जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, कई लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करा दिया, और नामा के अंदर अपने आप को ऐसा समझा रहा है, कह रहा है जैसे हम खुली सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कोई मदद किसी की नहीं करी है, वो घर पे जाके सो गई। भाइयों, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, इन दलों को मैंने देखा है, मैं बीजेपी से भी विदाई करा हुआ हूँ, और मैं अपनी बार जब आया था तो आपको पता है कि गठबंधन में नागौर की सीट छोटी, नागौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वोट दिया, और पूरे राजस्थान के अंदर 16 सीटों में मैंने बीजेपी का प्रचार किया और मिशन 25 पूरा किया। गहलोत के बेटे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला और बॉल मैंने ही पकड़ पाई राजस्थान के अंदर। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का कि बीजेपी के लोग अभी से तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तेरा दावेदार सीएम की बीजेपी और चुनाव आएगा जब तक 10 और हो जाएंगे तभी इस मुख्यमंत्री के दावेदार। इधर कांग्रेस के अंदर गहलोत पायलट का जो झगड़ा चल रहा है, इसे आम आदमी परेशान है, गहलोत दिल्ली की परिक्रमा कर रहा है, अपने विधायकों को खुश करने के लिए फ्री एंड कर दिया कि चाहे जो करो, और विधायक क्या करें आप भी जानते हो, कोई अपने जमीन नाम करा रहा, कोई माइंस करा रहा, कोई प्लॉट नगर पालिका की नियमित करा रहा, कोई बस का रूट ले रहा है, कोई कई मार्बल की खदान ले रहा, तो कोई ग्रेनाइट की ले रहा है, कोई मुरबे ले रहा है, कब्जा करने के लिए इन्होंने तय कर लिया कि वापस तो आना नहीं, इसको जितनी लूट मचानी है 2-3 साल में मिटा लो, मचा लो। भाइयों, 20 साल हो गई वसुंधरा गहलोत गठबंधन को, पहले तो जातिवाद की बात भी छुआ करती थी, मुझे पता है 2003 से पहले राजस्थान में जातिवाद नहीं था, कई मुख्यमंत्री रहे, लोग रात को आपस में साथ उठते बैठते थे, बड़े आंदोलन भी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वसुंधरा आई, अलग अलग समाजों के बीच अलग अलग कपड़े पहन के, कभी तो किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ, भांजी हूँ, बुआ हूँ, ऐसे करके पूरे राजस्थान का कबाड़ा कर दिया, और ये नौजवानों को जो जातीय जहर जो घोला राजस्थान के अंदर, उसमें वसुंधरा राजे ने घोला और गहलोत ने लिखा था राजस्थान का नुकसान हो तो मैं अपना भी मजबूरी हूँ कांग्रेस की और मैं ही रहूंगा, और मजबूरी के रूप में राजस्थान की जनता झेल रही है कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, तो गहलोत आ जाता है, और गहलोत के डायरेक्ट चुनाव करा दो ना सीएम के, तो 4th-5th नंबर पर नहीं दिखे राजस्थान की जनता, तो एमएलए चुनाव जाते पंच कमरे मुख्यमंत्री घोषित कराते थे। भाइयों, हमें राजस्थान के अंदर बदलाव करना है और बदलाव के लिए संघर्ष करना होगा। आप ये बताएं, आप पिछले 15 साल से मुझे जानते हैं, जरा सी भी तकलीफ पड़ी किसी भी कौम के, किसी भी किसान के बेटे के, 36 कौम के, हनुमान बेनीवाल को अगर बुलाया तो आगे की पंक्ति में खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, उनको न्याय दिलाया। दूसरा, जब आपकी तकलीफ मैंने देखी कि कर्जे के बोझ के तले राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा हाथ में बंदूक लेके, रोजगार नहीं है तो क्या, तो अपराधी बन रहा है, और या फिर वो फांसी के फंदे को चूम रहा है। कानून का राज नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिनको भी स्कूल कॉलेज बच्चा जाती है जब तक वापस नहीं आ जाती, माँ बाप का कलेजा गले के अंदर अटका रहता है कि मेरी बेटी आई क्यों नहीं, मोबाइल भर कैसे हो गया, ये बात सही है गलत है? तो इस ये जो भय का वातावरण है राजस्थान के अंदर, ये किसने दिया? ये गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने दिया। मैंने कहा टोल मुक्त करो राजस्थान को, मेरे भाइयों का पूरा कर्जा माफ करो, बेरोजगारी 4 लाख खाली पद भरो, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो ताकि किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। आज भी जब दिल्ली की सीमा पर किसानों को रोका, मैं एनडीए के अंदर हूँ, अभी मैंने एनडीए छोड़ा नहीं है, लेकिन कृषि के जो तीनों बिल दिल्ली की सरकार लाई है, हनुमान बेनीवाल अगर पार्टी का विलय करता या उनकी आमे आ मिला था तो मंत्री पद तो मेरे लिए 2 बार तैयार था, दिल्ली में था कि नहीं था तुम्हें पता सारी बातों का, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा जब तक मेरे भाइयों का सम्मान नहीं मिलेगा, जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी बनी वो बातें नहीं होगी, तब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा, संतरी बनके आपकी सेवा करूंगा, और संतरी बनके राजस्थान के अंदर आपकी सेवा कर रहा हूं। कोई बड़े नेता राजस्थान के अंदर रात को इस तरह प्रचार में नहीं घूमते, गहलोत वसुंधरा तो अपने उम्मीदवारों को जानते भी नहीं कि कौन से जिले में जिला परिषद कौन है,
और भाइयों दोनों का गठबंधन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगला खाली कराओ, गहलोत का नहीं कराऊंगा, बंगला वही रखा अपने सामने, और दूसरा 20 जुलाई कैसे दिया तो गहलोत को बचाने के लिए। इन सारी चीजों का एक इलाज है कि इन दोनों को भगाओ। हमने प्रयास किया और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस जो 140 में भाग रही थी उसको हमने 99 वेंटिलेटर पर लेकर आ गए और वसुंधरा को भी 70 बेहतर पर रख दिया। लेकिन चाबी हमारे हाथ में नहीं रही, रिमोट कंट्रोल हाथ में जब रहता तब 15 से 20 विधायक जीतते, वोट 25 सीटों में अच्छे लिए थे, 25 सीटों में अच्छे वोट दिए आपने, 9.5 लाख वोट लिए, कई जगह मैंने वैसे भी लड़ाए, कई जगह मुझे कुंडे बदमाशों को हराना था, मेरे खड़े खड़े तो जीत जाते हैं, तुमने कई जगह वैसे भी नहीं लड़ाए कि मेरी वजह से मैं बदमाश क्यों जीता, नहीं मैंने पार्टी उनके लिए थोड़ी बनाई, मैंने बड़ी सोच के साथ किया। लेकिन 2024 के अंदर ये किसानों की पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर 200 सीटों में चुनाव लड़ेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। भाइयों तैयारी कर लो, आने वाला समय आपका है, और राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर अगर कब्जा करना चाहते हो तो भाइयों आगे बढ़ो, कानून का राज चाहते हो तो आगे बढ़ो, आम आदमी गरीब आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हो आगे बढ़ो। जातियों के नाम के नेता जीत के जाते हैं और उसके बाद उनकी जातियों को पूछो कि उनसे घर से मिलते भी है क्या, ये तो जातियों की मजबूरी है, कास्ट सिस्टम के नाम पर वोट डाल के चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने प्रयास किया, आपने मेरे जिलाध्यक्ष की लिस्ट देखी, प्रदेश की लिस्ट देखी और सारे समाजों को प्रत्युत्तर दिया जहाँ जहाँ आए, और टिकटों के अंदर मैंने साफ साफ कह दिया था कि अपने सारे समाजों को साथ रखना है, क्योंकि सारे समाजों के बिना सरकार नहीं बनती, और सारे समाज साथ कब आएंगे जब त्याग समर्पण से साथ रहे। मैं धन्यवाद दूंगा शीला कंवर जी को कि इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नौजवान देखो भाई हमारे भरोसे पर आरएलपी के अंदर आए तो आपको बोतल ही दिखनी चाहिए। तो आपके कैंडिडेट कौन कौन लड़े सामने, कांग्रेस कौन है, राधिका कुमावत कांग्रेस, बीजेपी तीन चार है, दिल्ली अपना तो कांग्रेस बीजेपी अपना चीन कितने नंबर पे है, दो नंबर दो नंबर का चिन्ह है। वैसे मशीनों में बहुत जगह मैंने एक नंबर चिन्ह अपने को मिला बोतल को, नागौर जिले के अंदर कई जगह दो नंबर पे आ गया, तो दो नंबर पे मशीन पे आ गया, इसे आप एक नंबर पे ले तो दबा दबा के एक नंबर पे ले आओगे जिता दोगे ना, कहीं ऐसा नहीं हो लोग हनुमान वोट मांगने घुमाता हुआ ही नहीं, मेरी बहन के साथ साथ वो इस बात का ध्यान रखना कि मैं वोट की अपील करने आया हूँ आपको, वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमारी उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा देना और इस मंडल से भारी वोटों से निकालना है। भाइयों मैं इसे मैं मान लूंगा कि 23 के अंदर नामा मजबूत होगा और नामा से भी